चल, थारा फैसला तो माई सा करेंगी। गोवर्धन सा हाथ तो छोड़ो, दुख रही हो। गोवर्धन छोड़ो इसका हाथ, ये सब क्या है? माई सा इसी के मुझे सुन लो, ये खुद बतावेगी कि कैसे थारे को और सब लोगों को धोखा दे रही थी। ये छोरी हमारे गांव से कोनी माई सा, इसे ना पायल दीदी सा ने भेजा था। दीदी भाभी सा की जासूसी करने के लिए। मने माफ कर दो मालकिन सा, मारे को पैसों की तंगी थी, नहीं तो पूरो काम तो कौन ही करूं। पापी पेट को सवाल हो गयो, बस एक एक मौका दे दो, मैं थारे को धोखा नहीं दूंगी। मन लगा के घर का सारा काम करूंगी, मारे को माफ कर दो। नाना माई साहब, इस छोरी में भरोसा को नहीं करना, इसे अभी के भी धक्का देके घर से बाहर करो। नहीं गोवर्धन भाई साहब, हो सकता है ये सच कह रही है, हो सकता है कि इसको सच में पैसों की तंगी हो। भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। नाना भाभी साहब, ये छोरी भरोसा के लायक होनी। क्या तुम जानती हो कि पायल ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसने मुझे खाई से धक्का दे दिया था। और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। इसीलिए उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा वापस कैसे आ गई। क्या तुम सच में अपने किए पे शर्मिंदा हो? पायल का सच सामने लाने में मदद करोगी? लो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाभी साहब इस पे भरोसा कर रहे हो? क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। मैंने ज्यादा दुनिया तो नहीं देखी, पर इंसान बहुत देखे हैं। मैं पहचान लेती हूं किसके आंसू असली है और किसके नकली। दुलारी हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ भाभी साहब, मैं जरूर मदद करूंगी। पर हम ये करेंगे कैसे? मैंने कुछ सोचा है। बड़े विश्वास के साथ वो ये काम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तूने मदद की तो उनका भरोसा टूट जाएगा। मेरे वीर ने हमेशा मेरा साथ दिया, अब देखना मेरा वीर मेरी ताकत बनेगा। मुझे ठीक होना है,
अपनी माँ का दाहिना हाथ बनना, उनका साथ देना है, ठीक होना है मुझे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, ताकि उसके ऊपर दोबारा कोई उंगली ना उठा सके। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सच, सिर झुकाने को जी जाता है थारे और विधि जी के प्यार को देखकर। ये आज पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो मारे लिए नहीं, अपनी विधि जी के लिए। लाखों में एक रही होंगी आप, तभी तो इतना प्यार करे हैं वे जी आपसे। सलाम है आपको। अरे वाह वेद जी, आपने तो कमाल कर दिया। अपने आप हिम्मत दिखा के व्हीलचेयर पर बैठे हैं आप। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए, अपनी अंदर की ज्वाला को जलाए रखिए, उसे हवा देते रहिए, क्योंकि आपको मुझे ठीक होकर दिखाना है ना? कोमलकली का वादा है थारे से, अब कोमलकली आपको पूरी तरह ठीक करके ही दम लेगी। विधि जी का अधूरा काम भी कोमलकली पूरा करेगी। विधि जी की बहन को सजा ना दिलवाई, तुम्हारा नाम भी कोमलकली नहीं। सबको सब समझ में आ गया? एक इंतजाम तो मैंने कर दिया है। दिव्या, इमरती, सुंदर, लखन छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मैंने किसी से कहकर उन्हें फोन करवा दिया है उदयपुर ट्रिप के लिए, और मुफ्त में घूमने की लालच को वो मना नहीं कर पाए। जल्दी जल्दी सामान बांध रहे। चलो, एक काम तो हो गया। दुलारी, तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? हाँ भाभी सा। ठीक है, तू जा। जी भाभी सा। आप सही सोचे थे पायल दीदी सा, ये छोरी विधि भाभी सा को नहीं, अरे ये तो कोई ढोंगन है। हाँ, और अब ये आपको फंसाने का प्लान कर रही है। आप फिकर करो कोनी। हाँ, कल सुबह मैं इसे किसी भी बहाने बाजार लेकर आती हूँ, और फिर तो वही होगा जो आपने सोचा है। हाँ।